लोगों के लिए आज क्या मांग है, क्या इंतजार है जो इसका खत्म? जस्ट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस ही चाहिए। क्या है जस्टिस? आरजी कौर के जो कांड हुए हैं उसके लिए जस्टिस चाहिए। मेरी बेटी है उसके लिए भी जस्टिस चाहिए, हम लोगों के लिए जस्टिस चाहिए। जस्टिस चाहिए कि जो दोषी है उन लोगों को शास्ति चाहिए। हाँ, जय श्री शाहड़ा। आप यहाँ पर जो आई हो आज यहाँ पर जो आई हो इसका क्या कारण है जो यहाँ पर आमदे दीदी জানেন তো সবকিছু যে একজনে এরকম ভাবে নিঃসঙ্গ ভাবে তাকে রেপ করে হত্যা করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে সেজন্য বিচার পাই, তার জন্য এসেছি। আমার নাম মৌমিতা পাল। কি আপকে লিয়ে জাস্টিস ক্যা হ্যায় আজ ইয়াহা খড়ে হোকার কিউ আপ ইয়াহা পর কিউ আই হ্যায় কিউ খড়ি হ্যায়? ও তো আমার মেয়ের মতো, আমার মেয়ে যদি আজকে এই জিনিসটা হতো তাহলে সবাই যেমন নাপ যা আজকে আমিও নেবেছি। আমরা চাই এর বিচার, সম্পূর্ণ বিচার চাই। সরকার কি বিচার দিতে পারেনি? সরকার বিচার দিতে, সরকার বিচার দিতে পারেনি না, কিচ্ছু পারেনি। বিচার তো বিচার কিচ্ছুই পারেনি সরকার, শুধু রেপ করতেই শিখিয়েছেন উনি, আর কিছুই পারেননি। আমরা যে এই ভয়েস থেকে কিছুটা বেরিয়ে আসতে পেরেছি এটাই আমাদের আরো বেশি আনন্দ। তিলোত্তম আমাদের রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে। আমি খুবই অসুস্থ, তবু আজকে আমি এসেছি। আমার নাম সন্ধ্যা ব্যানার্জি। कहाँ से आई हैं आप, क्या करती हैं और आज किस मांग से आई हैं यहाँ पर सड़क? मैं अभी जॉब से लौटी हूँ, घर ही जा रही थी तो यहाँ पर समावेश देखा तो आ गई, यहीं रहती हूँ पासी में। जस्टिस तो चाहिए ही चाहिए हम लोगों को। बहुत से पहले कभी इस तरह से किया है आपने? कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जरूरी था, जो दोषी है उनको मिलना ही चाहिए सजा। सुपर्णा बैनर्जी। आज यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, इससे पहले कभी आपने ऐसा कुछ किया है या आज यहाँ पर जो कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं? इससे पहले 14 अगस्त हम लोगों ने किया था, वो रात को 12 बजे सब लोग इकट्ठा आए थे। एवरी वुमेन फ्रॉम एवरी हाउस केम एंड वी आर जस्ट हियर फॉर ओनली वन थिंग, जस्टिस फॉर द गर्ल हु वाज ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड एट अ स्टेट गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल बट द गवर्नमेंट is paying heavy money fees and money hiring lawyers of the highest in their professions to hide or god knows to save the culprits, whereas we are here standing and we have nothing in our hands, no power, nothing, only just the demand to have some justice for one girl who has sacrificed and shown us what is the money brutal state of our condition. Bahut very unsafe now. We cannot protect ourselves. तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। अब देखिए हम लोग कभी नहीं ऐसे रास्ते पे कभी नहीं निकले, पहली बार निकले। भारत की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा कभी हुआ है मुझे पता नहीं कि एक डॉक्टर अपने, अगर एक डॉक्टर सेफ नहीं है तो हम लोग सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है इधर। हर वक्त हम लोग पर टॉर्चर होता है, कैसे होता है, कौन करते हैं ऐसे? ममता बनर्जी तो सड़क पर उतरी है, वो कह रही है कि हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो खुद को मांग, स्टेट मिनिस्टर वो है, हेल्थ मिनिस्ट्री उसका है, पुलिस मिनिस्ट्री भी उसकी है, किसके खिलाफ वो जा रही है जस्टिस मांगने? हम किसके पास जाएंगे जस्टिस मांगने? चार पहले 4 दिन तो था ना कोलकाता पुलिस के अंडर ये केस, क्या हुआ? पोस्टमार्टम पे लिखा है गैंग रेप, पोस्टमार्टम पे अगर लिखा है गैंग रेप, एक एक आदमी को वो लोग सस्पेक्ट कैसे बोल सकते हैं? और वो लोग लग रहे हैं कि वो लोग का हम सब इतना फूल है, हम लोग का किसके लिए दिमाग? ममता बनर्जी का कहना है कि बहुत सारे लोग जो सड़कों पर उतर रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। मेरा कौन सा पॉलिटिकल मोटिवेशन है? उनकी ये हर वक्त हम लोग इधर रहते हैं ना, हम लोगों को पता है सब, अगर कोई कुछ बोलेगा तो पॉलिटिकली कनेक्टेड पॉलिटिकली। आप लोग हैं किसी राजनीतिक दल से? आई एम अ टीचर, शी इज एन आईटी प्रोफेशनल। मैं घर बैठ के काम करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। अगर मुझे अगर रात को ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा मुझे डर लग रहा है, कैसे नहीं आ? मैं हम लोग कैसे इधर सॉल्ट लेक से इधर कैसे ट्रेवल करेंगे, कहाँ से ऐसे हम लोग? गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे एक डॉक्टर सेफ नहीं है, हम लोग सेफ है, आप ही बोलिए ना हम लोग सेफ है। उनको पूछिए बोलो वो क्या सेफ है? क्या नाम है आपका? बाउंसर लेके घूमता है, बॉडीगार्ड लेके घूमता है, जेड प्लस सिक्योरिटी है उनके पास। ममता बनर्जी बाउंसर लेके घूमती है, बॉडीगार्ड लेके वो घूमती है, जेड प्लस सिक्योरिटी है उसके पास, वो
बोल रहे हैं कि 12 आवर्स का वर्किंग आवर्स वो लड़की लोगों के लिए, ये सही है? हम लोग आगे, हम लोग मतलब प्रोग्रेस हो रहा है कि हम लोग पीछे जा रहे हैं? हम लोग तो 50 इयर्स पीछे चले गए ना। 12 आवर्स एक दिन में एक लड़की को बोल रहा है कि तुम घर पे रहो, रेप नहीं होगा। उनको बोलना चाहिए कि जो रेपिस्ट है, जो जिसका मेंटेलिटी है रेप करने के लिए, वो घर पे रहे। हम लोग क्यों घर पे रहे? दिवांजलि, क्या कारण है जो आज यहाँ पर आप लोग आए हैं? सिर्फ वी वांट जस्टिस। आजी कोड़ का जो हादसा हुआ है आप सबको तो मालूम है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस फॉर तिलोत्तमा। कभी इससे पहले इस तरह के हाथ में लेकर कैंडल? नहीं, कभी भी नहीं। बस इस बार क्यों, ऐसा क्या हो गया? इतना गुस्सा है? हाँ तो सही है, हम लोग सही चाहिए, सही विचार चाहिए। तिलोत्तमा के जैसे जब हादसा हुआ है अर्जीकर का, तो चाहिए हम लोग का सबको जीवन करती हूँ। वी वांट जस्टिस। आपका नाम? चैतन्य। कोलकाता की जिन सड़कों पर नॉर्मली सामान्य तौर पर उजाला होता है, वहां अभी अंधेरा है। और इसी तरह की एक एक लॉ लेकर न जाने कितने सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे हैं। श्याम बाजार हो, विक्टोरिया हो, उत्तर कोलकाता हो, दक्षिण कोलकाता हो, कमोवेश हर जगह यही नजारा। 9 बजे से 10 बजे तक बत्तियां बंद करके लोगों ने ये तो बता दिया कि उनके अंदर आक्रोश कितना है। आखिरकार तमसोमा जो तिरुगमयम भी यही कहे जाते हैं ना, इसी आधार पर कि कम से कम इस अंधेरे से उजाले की ओर, जिसमें एक मोमबत्ती की रोशनी ही काफी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़।